Hello dear children, this is part 3 of your unit 1 from my English reader, Celebrations. This is part 3. This exercise was given as a homework to you in the previous video. You had to listen the tape script or read a tape script given on page number 27 of this book. And on the basis of that reading or listening to the particular audio, you need to answer these questions. I'm going to give you the right answers of these questions. You need to match. I hope you all have done this. So you need to match the correct answers with your answers. If anyone is correct, like your answers are incorrect, if it is any answer is incorrect, you need to read the passage again, read that again, and then see the answer. Okay? These are the correct answers for this exercise. Please match with your answers. Next, work with your partner and list all the games that you play at a birthday party. You might have enjoyed a birthday party of your friend, your relatives, or it may be your... It may be yours. So these are some games: hide and seek, musical chair, spoon race, three-legged race, twister, or any other. If you want to write any other game that you play in any birthday party that you like the most, you can write those names also. Okay? जितने नाम मेरे को पता थे बेटे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से, कोई बर्थडे गेम जो बर्थडे पार्टीज में खेली जाती है कोई गेम, तो आप उसको भी लिख सकते हैं बेटा, राइट. थर्ड वन वी हैव, क्रिएट अ बर्थडे कार्ड विद योर पर्सनल मैसेज फॉर योर बेस्ट फ्रेंड. आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत अच्छा एक बर्थडे कार्ड बनाना है. यहाँ पे मैंने 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने सिर्फ एक बर्थडे कार्ड बनाना है. ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, राइट. ये जस्ट एग्जाम्पल है. आपने कोई एक बर्थडे कार्ड बनाना है अच्छा सा, फ्रंट पेज उसका, और वो यहाँ पे स्पेस में, और नीचे मैसेज, जैसे मैंने मैसेज लिखा है वैसे ही आप भी मैसेज लिख सकते हैं, एनी मैसेज, ठीक है. अगर आप यही लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं बेटे, ओके. कोई अच्छा सा ब्यूटीफुल कलरफुल आपने बर्थडे कार्ड का फ्रंट पेज बनाना है यहाँ पे. नाउ रीड द फॉलोइंग एक्सर्ट reconstructed with the help of chapter 1 of the book Harry Potter and the Prisoner of Azkaban by J.K. Rowling. Harry Potter की मूवी तो आपने देखी होगी बेटे, शायद कुछ बच्चों ने देखी है, कुछ बच्चों ने नहीं भी देखी होगी. तो Harry Potter की बुक, उनकी एक सीरीज J.K. Rowling ने जो लिखी है, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, तो उसमें से ये छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है. लेट अस सी द बेस्ट बर्थडे. इट वाज 1 o'clock इन द मॉर्निंग, हैरीज स्टमक गेव अ फनी सो. सुबह के एक बजे थे और हैरी के पेट में एकदम से जोल्ट मीन जर्क, हल्का सा एक झटका सा लगा पेट में, हल्का सा. ही हैड बीन 13 ईयर्स ओल्ड विदाउट रियलाइजिंग इट फॉर अ होल आवर. रात के 1 बज गए थे और उसको ये पता ही नहीं था, मतलब उसको कोई रियलाइज नहीं हुआ कि 1 घंटा हो गया है और मैं 13 इयर्स का हो गया, मुझे 13 इयर्स का होते होते 1 घंटा हो गया है. एंड योर अनयूजुअल थिंग अबाउट हैरी वॉज हाउ लिटिल ही लुक्ड फॉरवर्ड टू हिज बर्थडे. एक अजीब सी चीज हैरी पॉटर के बारे में ये थी कि वो अपने बर्थडे के बारे में इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता था जितना कि जैसे हम लोग, आप लोग रहते हैं. वो बहुत कम एक्साइटेड रहता था, इतना ज़्यादा उसको इंजॉयमेंट नहीं या होपफुल नहीं था वो अपने बर्थडे के लिए. यू सी हैरी लिव्ड विद द डर्सलिस, अंकल वर्नन, आंट पिटूनिया एंड डर्सल. वो कहता है कि हैरी पॉटर जो है वो जो डर्सलेस फैमिली है, डर्सलेस फैमिलीज में कौन कौन, उसके अंकल वर्नन, आंटी पिटूनिया और उनका बेटा डुडली रहता है. और ये जो डर्सलेस फैमिली है,
हैरी इज ओनली लिविंग रिलेटिव, वो हैरी के सिर्फ इकलौते जीवित उसके रिश्तेदार हैं, एंड दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ हैरी एट ऑल, हैरी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते वो लोग। द डर्सलेस वर नॉन मैजिकल पीपल, वो नॉन मैजिकल पीपल हैं, मतलब उनको जादू करना नहीं आता है, जादूगर मैजिशियंस नहीं है, एंड दे आर कॉल्ड मगल्स इन द विजर्ड वर्ल्ड, और विजर्ड वर्ल्ड में जादू की दुनिया में उनको मगल्स, ऐसे लोगों को मगल्स कहा जाता है। दे डिड नॉट बिलीव इन मैजिक, वो मैजिक पे विश्वास नहीं करते हैं ऐसे लोग। हैरी स्टडीड इन द हॉगवार्ट स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, हैरी कहाँ पढ़ता था, हॉगवार्ट स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी, जादू के स्कूल में जहाँ पे जादू सिखाया जाता था। ही वॉज अ विजर्ड, वो एक जादूगर था, जस्ट लाइक हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह ही, जेम्स एंड लिली, उसके मम्मी पापा का नाम जेम्स। दे हैड डाइड व्हेन ही वॉज जस्ट वन ईयर ओल्ड इन ए कार एक्सीडेंट, उनका देहांत हो गया था उसके मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में जब वो सिर्फ एक साल का था। हैरी स्टूड एट द विंडो लुकिंग आउट फॉर हिज पेट आउल हैड्रिक, हैरी अपनी विंडो पे खड़ा था, अपने पेट आउल, उसका पालतू एक आउल था हैडविग उसका नाम, उसको ढूंढ रहा था। सडनली ही स्पॉटेड थ्री आउल्स कमिंग इन हिज डायरेक्शन, अचानक से उसने देखा कि तीन आउल्स उसी की डायरेक्शन में, जहाँ पे वो विंडो पे खड़ा था उसी के डायरेक्शन में आ रहे थे। यू कैन सी द पिक्चर बिटे, एंड दे वर कैरिंग वन पैकेट ईच विच वॉज टाइड टू देयर फीट, उनके पैरों में एक एक पैकेट बंधा हुआ था, वो उन पैकेट्स को लेकर के हैरी की तरफ आ रहे थे। हैरी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट आउल एरोल, पहले आउल को उसने पहचान लिया, उसका नाम एरोल था। इट हैड ब्रॉट हिम ए पैकेट फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड रॉन फिंगर्स, और ये जो पैकेट था, ये पैकेट उसके फ्रेंड रॉन ने उसके लिए भेजा था। फिंगर्स ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, हैरी ओपन्ड हिज फर्स्ट बर्थडे कार्ड एंड स्टार्टेड रीडिंग, उसकी फिंगर्स जो थी वो कांप रही थी, धीरे धीरे कांप रही थी वो। हैरी ने पहला अपना बर्थडे कार्ड ओपन किया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, क्या लिखा था, डियर हैरी हैप्पी बर्थडे आई एम इन इजिप्ट राइट नाउ, उसके फ्रेंड रॉन ने लिखा था कि हैरी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं इजिप्ट में हूँ, माई ब्रदर बिल हैज शोन अस ऑल द पिरामिड्स, बिल रॉन का भाई, वो कहता है कि मेरे भाई बिल ने हमें सारे पिरामिड्स दिखाए हैं यहाँ पे इजिप्ट में। आई एम सेंडिंग यू ए पॉकेट स्निकोस्कोप, मैं आपको एक पॉकेट स्निकोस्कोप भेज रहा हूँ। इफ समवन टेल्स यू ए लाई, अगर कोई तुम्हारे साथ झूठ बोलता है, इट इज सपोज टू लाइट अप, ये एकदम से जल उठेगा, ये एकदम से ऑन हो जाएगा, लाइट जलेगी इसमें। इंजॉय योर गिफ्ट रॉन। हैरी पिक्ड अप द पैकेट हेडविक हैड ब्रॉट, अब उसके जो आउल, उसके अपने पेट आउल हेडविग ने जो पैकेट लेके आया था वो उसको ओपन, उसको निकाला उसने, उसको लिया। इट वॉज फ्रॉम हरमाइनी द ब्राइटेस्ट गर्ल इन द हैरिस क्लास, ये हरमाइनी की तरफ से था, जो कि उसकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी हरमाइनी। उसमें क्या लिखा था कार्ड में, डियर हैरी हैप्पी बर्थडे, प्रेजेंटली आई एम ऑन ए हॉलीडे इन फ्रांस, आजकल मैं फ्रांस में हूँ हॉलीडे में, गेस होम आई मेट देयर, गेस करो कि मैं किससे मिली हूँ वहाँ पे, हेडविग, मैं हेडविग से मिली, शी प्रोबेबली वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट आई गॉट यू समथिंग फॉर योर बर्थडे, और उसने मुझे, वो चाहती थी, शायद ये चाहती थी हेडविग, ये चाहती थी कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ आपके बर्थडे पे गिफ्ट करूँ, कुछ ना कुछ आपके बर्थडे पे प्रेजेंट करूँ। आई एम सेंडिंग यू ए ब्रूम स्टिक सर्विंग किट, मैं आपके लिए एक ब्रूमस्टिक सर्विसिंग किट में भेज रही हूँ, इंजॉय योर डे। वाओ हरमाइनी, हैरी व्हिस्पर्ड, हैरी ने बहुत धीरे से बोला वाओ हरमाइनी। ही फेल्ट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही वॉज ए मेंबर ऑफ हिज स्कूल क्विडिक टीम, वो बहुत ही एक्साइटेड हुआ ये जान करके, क्योंकि वो अपनी स्कूल की जो क्विडिक टीम थी उसका मेंबर था। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द मैजिकल वर्ल्ड, मैजिकल वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट था ये क्विडिक। It was much like football, but it was played on broomsticks. ये football की तरह ही था sport, ये game, but ये सिर्फ एक difference था कि इसको broomsticks पे खेला जाता, झाड़ू पे खेला जाता, झाड़ू की sticks पे। Harry now reached for the last parcel brought to him by a big golden owl.
अब हैरी के पास जो लास्ट थर्ड जो पैकेट था, पार्सल था, वो उसके पास आया और वो पैकेट एक बड़ा सा एक गोल्डन कलर का आउल लेके आया था। एज ही टोर ओपन द कवर ए बुक फेल आउट, जैसे ही उसने उस कवर को फाड़ा, उस गिफ्ट की कवर को फाड़ा, एक बुक बाहर निकली। इट वॉज अ टाइटल द मॉन्स्टर बुक ऑफ मॉन्स्टर्स, और उस बुक का टाइटल था द मॉन्स्टर बुक ऑफ मॉन्स्टर्स। डियर हैरी, ए वेरी हैप्पी बर्थडे, आई थिंक यू विल फाइंड दिस बुक यूजफुल फॉर द नेक्स्ट ईयर। उस बुक में लिखा हुआ था, कार्ड पे लिखा हुआ था, डियर हैरी मुझे लगता है कि ये बुक आपके लिए अगले साल काम आएगी बहुत ज़्यादा। वॉन्ट से नो मोर, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, टेल यू वेन आई सी यू, मैं तभी जब हम मिलेंगे तभी हम बात करेंगे। ऑल द बेस्ट हैड रेड। हैरी हैप्पीली लुक्ड एट द ऑल द गिफ्ट्स अराउंड हिम, बहुत खुश हुआ हैरी अपने आस पास उन गिफ्ट्स को देख करके। एज ही सेटल्ड इन टू हिज बेड, जैसे ही वो अपने बेड पे बैठा, he realized that he had celebrated his birthday for the first time in his life. उसने realize किया कि आज जिंदगी में पहली बार उसने अपना birthday इतनी अच्छी तरह से celebrate किया है। he never felt happier before. वो आज से पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ।